जिसमें हमने इंटीग्रल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो देखा था और इंटीग्रल्स के जो फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिस पे जस्ट उसका रिवर्स करके वो देखे हैं और उस पर क्वेश्चन लगाए थे इस वीडियो में इंटीग्रल के सेकेंड पार्ट में जो हमारा इस इंटीग्रल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन करने के कितने मेथड्स हैं तो यहाँ से यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रीगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ये मेथड्स हैं इंटीग्रेशन करने के और आपको इंटीग्रेशन में यही सारे मेथड्स मिलेंगे ठीक है आपने ये मेथड पढ़ लिया तो इंटीग्रेशन का ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट जो पोर्शन है ऑलमोस्ट आपने कवर कर लिया ठीक है तो ये मेथड्स हैं इनको हमें अलग अलग पढ़ना होगा पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ना होगा तो आज की इस इंटीग्रल की जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम पहला मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई सब्सडी ठीक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं डायरेक्ट और पहले मेथड यानी इंटीग्रेशन बाई सब्सडी ट्यूशन पढ़ते हैं देखिए नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें नाम में ही है सब्सिट्यूशन यानी इंटीग्रेशन करना है हमें कैसे सब्सिट्यूट करके ठीक है मैं इसको समझाने के लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है ठीक है तो अभी तक प्रीवियस नॉलेज में प्रीवियस जो हमारे पास फार्मूले थे उसमें तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला नहीं था कि ये मल्टीप्लाई भी है दोनों में ठीक है इसको हम इंटीग्रेट कैसे करें है ना एक तो एक्स है फंक्शन और एक साइन का फंक्शन है ठीक है साइन अगर होता तो हम फार्मूला पुट कर देते लेकिन यहां पर x भी है तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होगा इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे ध्यान से देखिए इंटीग्रेट का ये निशान होता है टू एक्स साइन एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स यही तो कर, यही कर रहा है क्वेश्चन में कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में आपको सब्तीच्यूट करना होगा ठीक है मेथड में हमें क्या करना होगा सब्सिट्यूट करना होगा किसको करें सब्सिट्यूट उस क्वांटिटी को आपको सब्सिट्यूट करना होगा जिसको आप सब्सिट्यूट करें और जिसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपको दूसरा वाला टर्म मिल जाए ठीक है अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी मैं इसको करता हूं जैसे यहां पर मैं पुट ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी पुट कर दे रहा हूँ ठीक है जब आप इसको पुट करेंगे टी तो आप इसको फॉरन डिफरेंशिएट करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो टू एक्स का एक्स हो जाएगा इसका जीरो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ठीक है ये दो चीज़ें आप इसमें रखेंगे ठीक है उसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ तो आई इज टू देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये इसको मैं अलग लिख रहा हूँ ठीक है अब इसकी जगह पर यहां से टी लिखेंगे और इसकी जगह पर टू एक्स डी की जगह पर dt कर देंगे यानी जो पूरा आपका फंक्शन था जो एक्स में था वो किस में चेंज हो जाएगा ये टी हो गया और इसकी जगह पर dt। टी यानी आपका इंटीग्रेशन जो एक्स के रिस्पेक्ट में था वो अब टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया है ठीक है ये आपको डिफरेंशिएशन इसलिए इसका करना पड़ता है क्योंकि आप इसको डायरेक्ट ऐसे पुट नहीं कर सकते कि ये टू एक्स और ये साइन टी डी एक्स ठीक है ये तो अधूरी बात हो गई कि एक तो टी में चला या बाकी दूसरा एक्स में ही है ठीक है होना तो ये या तो हो तो दोनों एक में ही हो अब जब आपने इसको रिड्यूस कर दिया तो साइन टी का आप लोगों को पता है साइन टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस कॉस्ट होता है और उसके साथ एक कांस्टेंट आता है फिर टी आपने टी किसको लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वन को और प्लस सी तो ये आपका आंसर हो गया ये आपका जो हो गया वो आपका इंटीग्रेशन हो गया ठीक है तो अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए आगे के क्वेश्चन में भी जब हम करेंगे तो काफ़ी इस चीज़ को लेकर हैबिचुएट हो जाएंगे हम कि उस क्वांटिटी को आपको उतना अंदाज़ा रखना होगा कि किस क्वांटिटी को अगर हम टी एज्यूम करें या कुछ भी एज्यूम करें यू एज्यूम करें जनरली टी ही कर लेते हैं हम लोग तो एज्यूम करें उसको किया जाए जिसका डिफ्रेंशिएशन उसके अलावा जो पार्ट बच रहा है उनमें से कुछ आ जाए ठीक है तो उस बेसिस पे हम सबसे च्यूट करेंगे यहाँ पर हम x को अगर t करते हैं तो हमारा काम नहीं हो पाता ना x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वन ही आएगा लेकिन ये वाली क्वांटिटी को क्योंकि हमने कर लिया तो ये तो t बन गया और ये जो तो टू एक्स जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो टू एक्स डी एक्स टू डी टी यानी इसके प्लेस पे भी dt आ गया और ये टी यानी फिर ये फॉरन क्या हो गया t में कन्वर्ट हो गया ठीक है चलिए आगे हम और क्वेश्चंस करते जाएंगे तो और ये क्लियर होता जाएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर ध्यान देते हैं ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको इंटीग्रेट करना है ठीक है तो इसको हमें क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो फिर वही चीज इंटीग्रेट करना है और हम ये कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाई सब्सिट्यूशन हमें सब्सिट्यूट करना है तो अब हम इन दोनों में से किसको सब्सिट्यूट करें किसको टी माने किसको एज्यूम करें टी ठीक है तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि अगर हम log x को t ले लेंगे ठीक है तो log x का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स होता है है ना वन बाई एक्स को लेते तो वो log में नहीं होता तो अगर हम log x को t ले लें बहुत आसान है करते करते आपको भी ये बहुत आसान लगने लगेगा शुरुआत में हर चीज थोड़ी मुश्किल लगती है पर प्रैक्टिस है सब चीजें बार बार करने से सारी चीजें आसान हो जाती हैं हमने यहाँ पे log x को t ले लिया log x को जब t लिया तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वन बाई एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी टी देखिए ये चीज़ आपको मिल गई ठीक है अब वो क्या हो गया ये ये ट्रांसफॉर्म हो गया लॉग एक्स यानी टी का ये स्क्वायर हो गया और वन बाई एक्स डी एक्स की जगह पर हम डी टी लिख सकते हैं अब ये टी में कन्वर्ट हो गया टी का तो आपको स्क्वायर का तो आपको पता ही है टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी ये होता है इंटीग्रेशन टी को आपने जो किया था उसको वापस उसी फॉर्म में भेज दीजिए यानी लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी ये आपका इंटीग्रेशन हो गया है तो आपको देख के आसान लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा होप चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं ये क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं तो सपोज कोई फंक्शन है ई टू दी पावर टेनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है इसको इंटीग्रेट करना है तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं अब आप वीडियो पॉज करके आप पहले ही सोच लीजिए मैं तो आपको सोल्यूशन बता ही दूंगा आप एक मिनट वीडियो को पॉज करें और सोचें कि आप इसमें से किस को आपको अज्यूम या पुट करना चाहिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये मिलेगा कि यहां पर अगर हम tan इनवर्स x को t कर लें तो उसका डिफ्रेंशियन अपॉन एक्स होता है तो यहाँ पे आप फॉरन किसको कर लेंगे tan tan x x को टी पुट कर tan inverse x is equals to t कर लीजिए का one plus x square होता है ये दोनों चीजें इसमें अगर आप रखें तो e टू दावर t और इस पूरे की जगह पर हम डी टी लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स या टी का जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सारा ही क्या होता है वो ई टू दी पावर टी ही होता है उसके साथ एक सी आ जाएगा फिर लास्ट में आपने टी को जो किया था वो वापस उसको उस फॉर्म में कर देंगे तो देखा दोस्तों आपने कि ये कितना आसान है और कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें हो जा रही है बस जो पहला स्टेप है इस पर आपको कंसंट्रेट करना होगा जब आप पुट करना सीख जाएंगे तो आप इंटीग्रेशन बाय सबुशन के सारे सवाल कर सकते हैं अभी तो मैं आपको क्योंकि शुरुआत है और इजी इजी क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल होंगे उसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि आप किसको करें कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ा ट्रिक के साथ होंगी छुपी हुई होंगी ठीक है जैसे जहाँ तक ट्रिक की बात आ गई तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी अच्छे से देखिएगा देखने से वो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा कि अरे ये कैसे सॉल्व होगा लेकिन जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये पुट करने वाला समझ कर ठीक है कि कहाँ पे किसको पुट करना है चलिए देखिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हैं ये क्वेश्चन मैंने लिया है ये फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना है देखने से तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है कैसे इंटीग्रेट करें किसको पुट करें किसको टी एज्यूम करें है ना किस चीज को टी एज्यूम करें कि दूसरा आ जाए ई टू पावर टू एक्स को ले टू एक्स को लें किस को लें ठीक है तो देखिए अभी मैं आप इसको नॉर्मल तरीके से अगर सोचेंगे ठीक है देखिए ये सारी चीजें आपके ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ें कितनी जल्दी आ जा रही हैं कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए ठीक है इसका कोई फार्मूला नहीं होता है ये आपको सोचना होगा अपने माइंड से और आपका माइंड वहाँ तक तभी पहुँच सकता है जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हर तरह के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बस देखते ही बता देंगे अरे ये तो ये तो इसमें इसको करना है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें नीचे वाले को मैं पूरे डिनोमिनेटर को टी ले, ले रहा हूं पुट कर रहा हूं यह डिनोमिनेटर को अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करें तो ई टू दावर टू एक्स और टू एक्स को फिर से किया जाता है तो टू होगा फिर ई टू दावर माइनस टू एक्स इसको करें अगर डिफ्रेंशिएट तो माइनस टू एक्स का टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ठीक है टू अगर आप कॉमन ले लें तो ई टू दावर टू एक्स माइनस ई टू दावर माइनस टू एक्स अगर आप से ध्यान से इसको देख रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख गया होगा कि आपको डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो मिल गया है वो न्यूमरे सॉरी न्यूमरेटर का जो टर्म है वो मिल चुका है डिनोमिनेटर को टी पुट करने से तो देखिए लग तो रहा था कि बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया है ये आप न, आपने डिनोमिनेटर को टी पुट किया तो आपको ये वाला टर्म डीटी के फॉर्म में आ गया अब फॉरन क्या कर दीजिए इसको ट्रांसफॉर्म करिए चलिए तो वन बाय डिनोमिनेटर को टी ले लिया और इसकी जगह पर ये पूरे की जगह पर इस इक्वेशन से वन बाई टू डी लिख सकते हैं ना वन बाई टू टू को बाहर कर दीजिए तो वन बाई टी डी टी इज इक्वल्स टू वन बाई टू लॉग टी प्लस सी टी को फिर ख़त्म अगर आप करें तो वन बाई टू लॉग टी को जो किया था वो लिख दीजिए ई टू दी पावर टू एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स प्लस सी ये आपका आंसर आ गया तो देखा आपने इजी था लेकिन देखने से मुश्किल लग रहा था लेकिन जैसे ही हमने पुट किया वो फौरन उसका आंसर आ गया ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको पुट करना होगा और जब आप पुट करना सीख जाएंगे तो इंटीग्रेशन बाय के सारे क्वेश्चन कर लेंगे देखिए एक शॉर्टकट भी है अक्सर जब इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं सपोज कॉप्स थ्री एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट करना है ठीक है तो अगर हम नॉर्मल वे में करें इंटीग्रेट तो हम इसको क्या करेंगे पूरा थ्री एक्स को टी लेंगे ठीक तो थ्री डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा और यहां पर थ्री सॉरी यहां पर डी टी की जगह डी एक्स की जगह पे वन बाई थ्री डी टी रखना पड़ेगा आपको ठीक है वन बाई थ्री डी टी वन बाई थ्री इधर आ गया और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है ठीक है साइन टी प्लस सी साइन टी को जब आप दोबारा उसमें कर देंगे तो थ्री एक्स प्लस सी ये आएगा अब मैं आपको ये शॉर्टकट ये बता रहा हूँ कि आपको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है जब भी कोई फंक्शन है और उसमें अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो जो भी कांस्टेंट ठीक है वो एक्स से मल्टीप्लाई है उसको आप वन बाई में कर देंगे और जनरली जैसा जो फॉर्मूला होता है कॉस का इंटीग्रेशन का वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और उसमें सी लगा देंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा ठीक है क्या मतलब कहने का कि ये जो पूरा सपोज यही चीज़ अगर ऐसे होती साइन फोर एक्स डी एक्स इसको करना है तो आपको ये पूरा एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है ये इससे क्या है मल्टीप्लाई है तो वन बाई फोर लगा दीजिए और साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस फोर एक्स प्लस टी, ये इसका आंसर हो गया ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पोर्शन और है पार्ट वन के लिए तो सबसे चुशन आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ध्यान दिए होंगे आप तो आपने इंटीग्रेशन साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन मालूम है ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि ये साइन एक्स प्लस सी होता है लेकिन आपको टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है इसी तरीके से आपको कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है अभी तक आपको सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है और कोसेक एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रेशन अभी तक फार्मूले में नहीं मालूम है लेकिन इस मेथड से इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन से हम ये सारे फॉर्मूले हम ये सारे आई फंक्शन के भी फॉर्मूले जो हैं ड्राइव कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो पहले हम टेन से करके देखते हैं सपोज टेन एक्स डी एक्स इसका फार्मूला डिराइव करते हैं इस मेथड से सब्सटीट्यूशन से तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दे रहा हूं टेन का होता ही है ठीक है अब इसमें मैं किसको पुट करूं मैं कॉस एक्स को कॉस एक्स को पुट कर रहा हूं ठीक है क्यों क्योंकि कॉस जो है साइन में बदल जाएगा ठीक है ऐसे तो साइन को भी कर सकते थे लेकिन साइन को इसलिए टी पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब आप साइन को टीक पुट करेंगे और उसको करके ही दिखा दे रहा हूँ साइन एक्स ये भी आपको सोच के रखना होगा कि साइन एक्स को अगर आप पुट करेंगे तो इसको जब करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इजिक्वल टू डी टी ये कॉस एक्स डी एक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं है ये डिवाइड है इसलिए यहाँ पे आप इसको नहीं ले सकते हैं। तो आप कॉस एक्स को अगर पुट करें तो इसका होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिक्वल टू डी टी ठीक है ये दो चीज़ें आप इसमें अगर रखें तो क्या होगा इसकी जगह पर आप माइनस माइनस डी लिखेंगे और कॉस एक्स को लिया तो वन बाई टी ये आपका हो गया लॉग ऑफ टी मॉड में लिख रहा हूँ प्लस सी माइनस लॉग टी टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस सी ये माइनस जो लॉग पे होता है वो पावर जो है ऊपर आ जाता है और कॉस्ट का इन्वेस्ट जो होता है वो सेक एक्स होता है ठीक है तो ये आपका इंटीग्रेशन आपने ये टैन का भी इंटीग्रेशन जो है आपने इस मेथड से डिराइव कर दिया ठीक है इसी तरीके से आप कॉट का भी कर सकते हैं कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है सेम प्रोसेस है उसका आपका आएगा लॉग तो ये तो मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ आप आगे चल के आपको इनको लर्न करना होगा क्योंकि ये भी फॉर्मुलेज हैं। ये दो हो गया इसी तरीके सेक का भी होगा और कौक का भी होगा सेक और कौ का जो सब्सिट्यूशन है वो थोड़ा हटकर है आ, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आपको देखिए सेक का बता दे रहा हूँ कौशेक आप खुद से कर लीजिएगा सेम उसी तरीके से है इसका इंटीग्रेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है सेक एक्स का तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा एडजस्टमेंट कैसा होगा वो कि आपको एक्स यहां पर एक्स प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये थोड़ा एडजस्टमेंट है मैंने बताया था आपको कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी सब सिचुएशन में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा ज्यादा सोचना पड़ेगा तो यहां पर आप इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर जब आप इसको अगर आप टी एज्यूम करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आपको मिल जाएगा देखते हैं कैसे sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी आ, इसको करते हैं डिफरेंशिएट sec x का sec x टेन एक्स होता है प्लस टेन का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सेक एक्स अगर कॉमन ले लें तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया तो अब ये पूरे के प्लेस पे डी टी रख सकते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन हो गया वो क्या बन गया वन बाई टी और ये पूरे के प्लेस पे डी टी यानी ये भी आपका लॉग में आ गया लॉग टी प्लस सी तो टी को पुरानी पोजीशन पे ले आए अगर आप तो ठीक है मॉड में भी लिख सकते हैं आप इसको तो ये आपका सेक एक्स का फॉर्मूला डेराइव हो गया और आपने इसको सब्सिट्यूट कर लिया इसी तरीके से cosec का आप अपने से कर लेंगे जो cosec का है मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला ये होता है आपका लॉग कॉशेक एक्स माइनस कॉट एक्स जब आप सेम प्रोसेस से करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा ठीक है करना क्या होगा आपको इससे इस वाली क्वांटिटी से ऊपर नीचे कॉसक में मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका वही सेम रिजल्ट आ जाएगा और ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा तो इस पार्ट में हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूलेस की एक लिस्ट थी उसमें हमारे जो चार फॉर्मूले और ऐड हो गए इस मेथड की हेल्प से ठीक है चलिए एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद आ, वीडियो को हम आज की वीडियो में इतना रहने देंगे और आपका जो पहला पार्ट है आ, पहला मेथड है सॉरी जो पहला मेथड है आपका आ, इंटीग्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन अच्छा है उसको ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन यह है आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स इसको से करना है सब से करना है कैसे करेंगे ठीक है इसमें क्या करें तो मैंने बताया था देखिए धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जाएगी यहाँ पर मैं एक्स प्लस ए को t एज्यूम करूंगा ठीक है तो डिफरेंशियट करो तो dx एक्स इज एक टू तो टी ए का तो जीरो होता है कुछ होगा ही नहीं ये दो चीजें इसमें करें और ट्रांसफॉर्म करें तो आपका बन जा रहा है साइन ये देखिए एक्स की जगह पे आपको हाँ आपने यहाँ पर तो यहां पर x की प्लेस पे t माइनस ए लिखेंगे ठीक है तो ये हो गया आपका t माइनस ए और नीचे वाला आपका बन गया साइन t और dx की जगह पर dt, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया t में ठीक है यहां पे देखिए वैसे पूरा नहीं हुआ ठीक है मकसद तो आपका ऐसा होगा कि वो x जो है जब आप t में पुट कर रहे हैं तो t में कन्वर्ट हो जाए ठीक है तो यहां पर भी कन्वर्ट हो गया पर इसमें वैसा नहीं हुआ कि ये चीज लिया तो ऊपर वाली चीज पूरी खत्म होगी कोई जरूरी नहीं है ऊपर खत्म हो पूरी तरह से चेंज हो जाना चाहिए तो चलिए साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन ए साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन ये तो चीज है ही तो थोड़ा टेक्नोमेट्री है यहां पर चलिए इसको अलग अलग अगर हम करें तो साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए साइन टी डी जी ठीक है यहां से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा कॉस ए और यहाँ पर बचा ये बन जाएगा आपका कॉट टी साइन ए डी टी अब चलिए करते हैं इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग अगर किया जाए तो ये कॉस ए डी टी अलग और ये आपका कॉट कौ, टी साइन ए डी टी ठीक है चलिए ये क्योंकि कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा अंदर सिर्फ वन रह जाएगा डी और यहां पर साइन ए कांस्टेंट है ठीक है तो साइन ए को बाहर कर दे रहे हैं और अंदर जो है आपका कॉट टी डी रह गया है ये वन का टी होता है तो यहां पर हो गया कॉस ए टी हुँ? इसका जो सी आएगा और इसका सी दोनों का एक कंबाइन लिखूंगा मैं माइनस साइन ए कॉट का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉट का फॉर्मूला बताया है कि अब कॉट का हमने जो फॉर्मूला है वो क्या कर दिया है वो भी डेराइव कर दिया है तो कॉट का जो फार्मूला होता है वो लॉग साइन एक्स होता था ठीक है लॉग साइन एक्स तो उस हिसाब से लॉग ऑफ Uh, क्या होता था लॉग साइन साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस टी तो लॉग साइन एक्स यानी यहाँ पे टी है तो टी प्लस सी ये सी दोनों के लिए हो गया ठीक है अब चीजें जो है टी को वापस हम एक्स में लाते हैं अगर तो ये हो गया कॉस ए टी की जगह पर एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन टी की जगह पर एक्स प्लस ए प्लस सी ठीक है इसको थोड़ा सा ओपन कर लें अगर आप तो एक्स का पहले कॉस ए से हुआ देन ए का कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी कांस्टेंट ही है और ये कांस्टेंट है तो दो कांस्टेंट लिखने की क्या जरूरत है इन दोनों को मिलाकर एक बना देते हैं मर्ज कर देते हैं ठीक है तो हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी ये आपका आंसर हो गया तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था टिपिकल इसलिए भी ले लिया क्योंकि ये थोड़ा अलग है आपको इसकी भी इसका भी अंदाज़ा हो जाए ये टफेस्ट में आता है थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन में आता है और टफेस्ट तो नहीं कह सकते टफ़ क्वेश्चन में आता है और क्योंकि इसमें थोड़ा सा हट कर था इसमें टेक्नोमेट्री का भी इस्तेमाल था और इसमें आपका कॉट जो अभी हमने जो फार्मूला ड्राइव किया वो भी यूज़ हो गया है ठीक है तो होप कि आपको आज भी ये जो इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट था जिसमें हमने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का जो पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन वो पढ़ लिया है अब आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए वीडियो को अच्छे से देखिए ध्यान से देखिए और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अपने सारे क्वेश्चन जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो भी पसंद आई होगी मेरे चैनल को देखते रहिए थैंक फॉर वॉचिंग थैंक फॉर वॉचिंग और जुड़े भी रहिए बाय